हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? गंड भाई, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से खैरियत से होंगे। मैं अभी डोसान इंजन का पिस्टन निकाला हूँ, ये हेड गैसकेट चला गया था। उसके बाद में फिर जब हेड गैस खोलने के बाद चेक किया तो उसका लाइनर पिस्टन सारे चले गए। ये सेट करेंगे, हमारी टीम लगी हुई है, सारे पिस्टन निकाल रहे हैं। और मैं आपको एक अहम चीज़ बता देता हूँ, आपको शायद मालूम नहीं होगा, जो सीखने वाले बंदे हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ ख़ास करके। इसमें ये देखिए, आप दो होल दिए हुए हैं, ये होल दिए हैं एक, ये तीन होल। ये होल का काम है, इसमें आयल शूटर से जब आयल शूट होता है तो इसके अंदर से घूम के इस साइड से निकलता है, पिस्टन के अंदर से घूम के कूलिंग के लिए इस साइड से निकलता है। और ये आपको बहुत कम ही लोग बताते होंगे, जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए अच्छी जानकारी है, भी अच्छा तजुर्बा आएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, मैकेनिकल ग्रुप को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हम आपको देते रहेंगे इंशाल्लाह। और ये पिस्टन है, ये इंजन है, मैं आपको बता दूँ, ये देखिए, ये हमारा चार नंबर का लाइनर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पोजीशन इतना ज़्यादा कट गया है ये लाइनर, और लाइनर क्रैक भी है। तो हम लोगों ने इंजन को इसे अभी डिसबैंडल करेंगे, उसके बाद जब फिटिंग करेंगे, रिंग पिस्टन डालेंगे, तो आपको इसकी भी जानकारी ख़ास तौर से देंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए मैकेनिकल ग्रुप से। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं बनाएंगे क्योंकि आप लोग को परेशानी ना हो जाए, इसलिए हम अभी पिस्टन निकाले हैं और ये पिस्टन का रिंग डालेंगे। उसके बाद जब पिस्टन सेट करेंगे तो आपको टार्क का भी बताएंगे और पिस्टन रिंग सेटिंग का भी बताएंगे। ओके फ्रेंड, फिर मिलते हैं आपको।